कोटरंका मैराथन 2018 ये आज हमने ऑर्गेनाइज किया 30 अक्टूबर 2018 को। इसका जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट रहा वो इको पार्क गंडी है, वहाँ से भी हमारा एक मैसेज देना था इको सिस्टम पे। और यहाँ पे जो मैराथन का फॉर्मेट था वो अराउंड 8 to 9 किलोमीटर फॉर्मेट पे हमने ये मैराथन की। इसमें स्कूल्स के बच्चे भी इन्वॉल्व थे, उनके लिए हमने फॉर्मेट थोड़ा शॉर्ट किया था क्योंकि वो पूरा रन नहीं कर सकते थे। तो ये हमने इको पार्क कंडी से स्टार्ट किया, आज सुबह 10 बजे फ्लैग ऑफ किया वर्ती डी सी साहब ने, और यहाँ पे कल्मिनेट हुआ इरीगेशन ग्राउंड पे। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, जिसमें फॉरेस्ट वाले, बेड फोर्स के, CRR और पुलिस के थे। और सबसे खुशी की बात ये थी कि बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने, गवर्नमेंट्स ने, इवन मदरसा के स्टूडेंट ने भी पार्टिसिपेशन किया। और बड़ा अच्छा लगा जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। ये एक रन फॉर फन था, एक मैसेज देना था कि एंटी ड्रग्स पे और अबे ट्रैफिक रूल पे एक मैसेज जाए पब्लिक को। तो आइंदा भी इंशाल्लाह हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट और करवाते रहेंगे, अवेयरनेस कैंप करवाते रहेंगे। और मेरी यही मैसेज है पब्लिक से कि हमें एक हेल्दी और फिट रहना है, और हेल्दी और जब फिट रहेंगे तो तभी हमारा इंडिया प्रोग्रेस कर पाएगा, तभी हम खुद प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो ये मेरा मैसेज है कि अपने आप को हेल्दी रखें, फिट रखें, अच्छी डाइट खाएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें, और तमाम जो भी लाइट एक्सरसाइज है वो अपनी एक रूटीन का पार्ट बनाएं। थैंक यू सर।